नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह। दोस्तों, तरबूज में बहुत भयंकर समस्या आ रखी है और मोस्टली ये 90% किसान भाइयों को समस्या देखने को मिल रही है कि पत्तियाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फैल ही नहीं रही हैं, साइज छोटी हो रही है, सिकुड़ रही हैं। जैसे वायरस मिर्च में वायरस के रोग की वजह से सिकुड़ जाती है, वैसे तरबूज में सिकुड़न हो रही है। और ये इतना खतरनाक रोग है, एक बार स्टार्ट हो गया 15 से 20 दिन में क्रॉप खराब हो जाएगी, बिल्कुल बेल सूख जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। दोस्तों ये देखिए, मैं अभी तरबूज के प्लॉट में खड़ी हूँ। ये देखिए, काफी अच्छी तरबूज की क्रॉप है और यहाँ पर ये देखिए फ्लावर्स आने लग गए हैं। ये देखिए, और बीच बीच में फल भी सेट होने लग गए। ये देखिए, बिल्कुल स्वस्थ फल है। ये देखिए, फल सेट होने लग गए हैं, फ्लावर्स बहुत अच्छे आने लग गए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे भी फल सेट होने लग गए हैं और आप देख रहे होंगे लीफ बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। यही लीफ जब बिल्कुल सिकुड़न हो जाएगी दोस्तों, ये नई वाली लीफ में समस्या देखने को मिलेगी, नई पत्तियों में। ये तो दोस्तों वैरायटी ही ऐसी है, देखिए सिकुड़न नहीं है इनमें, लेकिन जब पत्तियां बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी तो ये समस्या क्या है? ये सिम्टम जब आप दूर से देखेंगे या पास से भी देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे पानी की कमी है, फसल अलसलती है। सुबह और शाम के समय फसल थोड़ी बहुत ठीक लगेगी, दोपहर में तो बिल्कुल अलसाने लग जाएगी। ये सिकुड़न हो रही है, इसकी वजह से किसान भाई को ये भी लगता है कि इंसेक्ट का अटैक है। पत्तियों के ऊपर या नीचे की तरफ आप देख रहे हैं तो ये लगेगा कि इंसेक्ट का अटैक है, लेकिन देखेंगे तो इंसेक्ट भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये कोई इंसेक्ट का भी अटैक नहीं है, ना ही ये कोई रोग है। ये रोग है दोस्तों तने से, जड़ों से। आप जड़े उखाड़ के देखेंगे कि निमेटोड का अटैक भी नहीं है, तो क्या करें किसान भाई? दोस्तों इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, पर इसको आप उखाड़ लीजिए, उखाड़ के देखिए जड़ों में गांठे हैं, निमेटोड है, वेलम प्राइम चला दीजिए। दो जो समस्या है दोस्तों पहचान में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये आ रही है तने में। ये है दोस्तों विल्ट की समस्या, जो किसान भाई सोच भी नहीं सकते कि ये विल्ट की समस्या हो सकती है। जी हाँ भाई, ये विल्ट की ही समस्या है। तने को आपको लंबाई वाइज काटना है, लेंथ वाइज कट करना है, कट करके बीच में आपको तने को देखना है। उसमें सफेद सफेद कलर का तने के बीच में जमाव होगा, अगर थोड़ा सा भी जमाव है तो वो शुरुआत हो चुकी है विल्ट की। और जब ये पत्ते सिकुड़न आने लग गई तो समझ जाइए कि 15 से 20 दिन में आपकी क्रॉप धीरे धीरे बेल सूखने लग जाएगी और पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो ये जो रोग है ये है विल्ट। आप पहचानिए, इस तरीके से लेंथ वाइज कट करके अंदर सफेद सफेद जमाव है तो अब आपको क्या करना है, या तो ड्रेंचिंग करनी है फंगिसाइड की, या फिर आपको ड्रिप से चलाना है। क्योंकि ये देखिए तरबूज की क्रॉप है, अब ये बड़ी होल लेने लग गई है, अब इसमें ड्रेंचिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और लार्ज स्केल पे करें तो ड्रेंचिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको ड्रिप से चलाना है। ड्रिप से क्या चलाना है दोस्तों, आपको दो काम करने हैं। पहला काम है आपको रोको फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करनी है। रोको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, जिसमें टेक्निकल कंटेंट होता है। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। अब ये थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में की नाम से भी आता है, पारिजात इंडस्ट्रीज का भी आता है, अलग अलग कंपनियों का आता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। टेक्निकल कंटेंट आप ध्यान रखिए और उसको आपको ड्रिप से चलाना है। अगर रोको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप टिल्ट फंगिसाइड भी चला सकते हैं ड्रिप से, या फिर आप बायर का बोनस फंगिसाइड भी चला सकते हैं। अगर रोको भी आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर टिल्ट और बोनस भी नहीं अवेलेबल हो रहा है, उस सिचुएशन में आप हेक्साकेनाजोल भी चला सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में बोतल आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। डोज की बात करें, बड़ी क्रॉप है दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से बड़ी क्रॉप हो चुकी है, तरबूज की क्रॉप है, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप से चलाना है। और बिल्कुल ही छोटी क्रॉप है उसमें भी ये समस्या आ सकती है दोस्तों, और समस्या है आपकी क्रॉप में, तब आप 250 ग्राम चलाइए। सेम वही हेक्साकेनाजोल भी दोस्तों 250 ml से 500 ml तक आप चला सकते हैं। टिल्ट और बोनस फंगिसाइड, ये दोस्तों बड़ी क्रॉप है आपकी तो आपको 250 ml चलाना है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आती है। और बिल्कुल ही छोटी क्रॉप है तो 100 ml आपको चलाना है। स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, स्प्रे वाली ये रोग ही नहीं है, आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए या फिर ड्रिप से चलाना चाहिए, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है और 100% सॉल्यूशन भी यही है। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा कार्य, जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि दूसरा कार्य क्या है। ये फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है, फ्रूट बनने लग गए हैं, इस समय दोस्तों फंगस जनित रोग भी आते हैं, एफिड्स का, थ्रिप्स का अटैक भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो प्रिवेंटिव में आप स्प्रे कर सकते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी नहीं होनी चाहिए क्रॉप को, हमेशा दोस्तों
न्यूट्रिशन की कमी होगी तो कई तरीके के रोगों का अटैक देखने को मिलेगा। विशेष तौर से इस स्टेज पे फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन, इन चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, ये चार तो भरपूर मात्रा में अपनी क्रॉप में कमी नहीं होनी चाहिए, आप खूब दीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बोरोन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम आवश्यकता है तो आप कम दीजिए, लेकिन इस फसल में कमी नहीं होनी चाहिए पोषक तत्वों की। पानी की भी कमी नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि सर्दियां थी, अब एकदम से गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसा आप, मैं खड़ी हूँ, ये राजस्थानी मिट्टी है, राजस्थान धोरू की मिट्टी है, बलुई रेत है, ऐसी मिट्टी में दोस्तों पानी की कमी आती है तो डेली ही पानी चलाना होता है। चिकनी मिट्टी है तो पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आपको चलाना होता है। इस तरीके से आप अपनी फसल को संभालिए, ट्रीटमेंट कीजिए और अच्छी पैदावार लीजिए। इसी तरीके की दोस्तों लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।